स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास के लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इस चैप्टर में भारत के संविधान के बारे में जानेंगे कि किसी भी कंट्री को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ है ना, तो आज़ाद होने से पहले ये डिसाइड हो गया था कि जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाएंगे हम देश के लिए, वो हम अपने स्तर पर बनाएंगे। हम जो अंग्रेजों के द्वारा जो दिए गए जो रूल्स रेगुलेशन है उसे नहीं मानेंगे। हम अपनी जनता के अनुसार जो भी नियम वगैरह जो बनाने हैं, लॉज वगैरह जो बनाने हैं, हम खुद बनाएंगे। तो इस तरह से अब भारत के अंदर अपना खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसे लागू किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सिमिलरली सोसाइटी इज आल्सो लाइक फुटबॉल टीम, लॉज आर रिक्वायर्ड टू गन द सोसाइटी। कि जिस तरीके से, जैसे आपने कोई गेम खेला हो है ना, जैसे आपने फुटबॉल खेला हो या फिर क्रिकेट खेला हो है ना, खेलते हैं अपन और देखते भी हैं। तो अगर हम उन गेम को हम देखें और हम ये उसमें कोई भी रूल्स नहीं हो, कोई भी उसका देखने वाला नहीं हो, उसको उसका कोच नहीं हो, तो क्या वो रूल्स बिना रूल्स के सही तरीके से उस गेम को खेल पाएंगे ना? सपोज करो नहीं खेल पाएंगे ना, अगर बिना रूल्स रेगुलेशन के फुटबॉल या फिर क्रिकेट जो भी हो वो गेम नहीं खेल पाएंगे। तो इसी तरह से एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक समाज में भी क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना रूल्स रेगुलेशन को रेगुलेशन के एक सोसाइटी जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए एक, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था खेल का, तो उस खेल के अनुसार ही एक फुटबॉल के मैच को जिस तरह से, फुटबॉल को के गेम को जिस तरह से रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सोसाइटी को भी रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो अब व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट जो कि जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पूरी बुक जो होती है उसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सिग्निफिकेंस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ना, क्यों हमने उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या कारण है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें क्या देता है, हमारे जो राइट्स देता है हमें, बहुत सारे में जो राइट्स मिले हुए हैं वो किसकी वजह से मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिले हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही जो है सभी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन है ना, और क्रीड टू विच दे बिलोंग। सो इट क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग द पीपल एंड बेंड्स देम टुगेदर इन वन हारमोनियस वॉल। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सभी नागरिकों के जो अधिकार वगैरह जो हैं और उनके जो जातिगत, लिंग, इनके आधार पर उनको प्रोटेक्ट करता है, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक साथ होने की, एक टुगेदर रहने की, मतलब एक साथ मिलकर रहने की, यूनाइटेड रहने की भावना उनमें उत्पन्न होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो इट लिमिट्स द पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सरकार के जो तीन ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिकरी, इन तीनों अंगों के जो पावर, जो शक्तियां जो है उनको लिमिट में करता है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिकरी अपने मनमानी करेंगे। सो ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको गवर्नमेंट के जो तीन अंग जो है उनकी शक्तियों को भी लिमिट में करते हैं। इट ले डाउन द प्रोसीड्यूर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बताया गया है कि किस तरह से सरकार का फॉर्मेशन होगा, किस तरह सरकार बनाई जाएगी, किस तरह से जो संघ और राज्यों के अंदर शक्तियों का बंटवारा होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। रूल्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। इट मेक स्पेशल प्रोविजंस
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो डोमिनेंट ग्रुप यूजेस इट्स पावर टू सप्रेस देयर लेस प्रिविलेज ग्रुप. इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको भी सुरक्षा दी गई है, उनको उनके भी रक्षा करी गई, उनके भी अधिकारों की रक्षा करी गई है और उन्हें एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, इन्हें स्पेशल शक्तियाँ दी गई है ताकि कोई दूसरा जो है उनके उनकी जो राइट्स का हनन ना करे, उनकी शक्तियों का उनके अधिकारों का हनन ना करे. और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो ये अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है कहीं वो उन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है. तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देखती है. फिर है इट गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अब्यूज और मिस यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट. इट ऑल्सो डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि ये फंडामेंटल राइट्स जो नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार देता है, जिन अधिकारों को सिर्फ संविधान के अलावा कोई भी नहीं उनसे ले सकता है ना, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कोई भी उन अधिकारों को नहीं छीन सकता है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कुछ ड्यूटीज भी दी है, हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं, हमारे देश के प्रति हमें कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हमें मिले हुए हैं उनका कोई सरकार वगैरह जो है कोई इसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है, किसी नागरिकों को अब्यूज तो नहीं कर रहा है. तो ये भी देखा इसके अंदर बताया गया है, लॉज बनाए गए हैं इसके. इट डिफाइंस नेशनल गोल्स विच फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री रेस्ट अपॉन. इन दिस रिगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस अपॉन डेमोक्रेसी. और जो हमारे जो नेशनल गोल्स जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय जो लक्ष्य जो है, इन जो हमारे जो बेसिक फाउंडेशन में जो बताए जाते हैं कि फ्यूचर में हमारे देश को क्या करना है, वो सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है. हम कैसे किस तरह से इसको थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं या किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, ये सब कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अंदर बनाया गया. और इस तरह से ये हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है. और सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा विच फॉर्म द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर नेशनल कंसेंस. और हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता सामाजिकता और लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की क्या है जो महत्वपूर्ण ये हमारी विशेषताएं हैं. ठीक है, अब यहां पर एक स्टोरी बताई गई है नेपाल की. ठीक है, हमारे भारत का मैप याद करो, रिमाइंड करो, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर जो कंट्री जो है वो क्या है, नेपाल है. ठीक है, तो वहाँ की हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या होता है वहाँ पर और क्या हुआ इस स्टोरी के अंदर. तो यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं आपको ऐसे ओरली बता रही हूँ, मैं पूरी रीड नहीं कर रही हूँ. तो नेपाल में क्या था, पहले मोनार्की थी, है ना, वहां पर वहां का शासक कौन होता था, राजा होता था. ठीक है, वहां पर राजतंत्र था. लेकिन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. फिर धीरे धीरे वहां पर वहां का जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और 1990 के अंदर वहां का जो राजा वगैरह जो थे, मतलब उनकी जो सारी शक्तियां जो थी वो एक राजा में नियत होती है ना, जैसे कि मोनार्की होती है तो वहां पर जो सारी शक्तियां किस में नियत होती है, राजा के अंदर नियत होती है. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो वहां की जो जो सेना वगैरह जो है या फिर वहां के जो ऑफिसर्स वगैरह जो थे या जो उच्च पद पर जो लोग जो थे, उनको ये फील हुआ कि जो वहां के जो उन्होंने उस राजा के खिलाफ संघर्ष करा और उनसे जो मोनार्की जो राज्य था उसे लोकतंत्र में बदला, डेमोक्रेसी के अंदर बदला, है ना, संघर्षों के बाद वो वहां पर डेमोक्रेसी को अपनाया गया. कहां पर, नेपाल के अंदर. तो पहले क्या था, वहां पर मोनार्की राजतंत्र था, फिर वहां के लोगों ने संघर्ष करा, वहां की आर्मी ने, वहां के ऑफिसर्स वगैरह ने, वहां की जनता ने वहां के राजा से संघर्ष करा, वहां के शासन तंत्र से संघर्ष करा और फिर वहां पर क्या हुआ, एक लोकतंत्र की स्थापना करी गई. ठीक है, और फिर जब वहां पर नेपाल के अंदर जब एक नया जो लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो उसके बाद में वहां के लोगों ने 2015 के अंदर अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. अब बताओ, अब वहां के लोगों को
कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर तो वैसे पहले लॉज वगैरह बने हुए थे। तो आपको बता देती हूँ कि जब कोई नया राज्य बनता है तो जैसे उन्होंने संघर्ष करा और वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना करी, तो वहां के लोगों को, वहां के जो लोग जो थे उन्हें अपने जो वहां के जो लोग जो थे वो उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपने लोगों की जो वेलफेयर को देखते हुए, वहां की जो जनता को देखते हुए और सभी लोगों ने मिलकर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। लॉज वगैरह जो बनाए गए सभी जनता को इक्वल रखते हुए, समान रखते हुए, और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए वहां पर 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो समझ में आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ बुक विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम सिर्फ यहां तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसने पार्ट लिया, कौन कौन किसने मिलकर ये बनाया, किस तरह से बनाया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ, ये होमवर्क आपको खुद को करना है, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, सिंपल क्वीज है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ही करना है। फर्स्ट है, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता किसे कहा जाता है, उनका नाम बताना है आपको। When did the Constitution of India came into force? भारत का जो संविधान जो है कब लागू हुआ। How many fundamental rights are presently included in the Constitution? संविधान के अंदर अभी वर्तमान में कितने fundamental rights हैं? ये सब आपको ढूंढना है, मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, सामान्य बातें हैं और ये आप सबको पता होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो है किस तरह का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। विच कंट्री हैज द Which country has the largest written constitution in the world? दुनिया की सबसे world की सबसे बड़ा जो largest constitution कौन से देश का है? ठीक है, ये आपको बताना है। ये कुछ question मैंने आपको दिए हैं homework के लिए, इसे homework और CW दोनों में कर लेना। Thank you.